था। वो चंदा तो मत पहले साइड हो जाओ कैमरामैन, कैमरामैन साइड हो जाओ, कैमरामैन साइड हो जाओ, लोगों को मिलने दो। दादा थोड़ा मार्क्स मार्क्स लेके तुम खाली क्या जल्दी लेके मार्क्स लाइव आने लो मजी लो अबे वो आप भी लगाओ ओ भाई चलो मिल जाने जाओ दे पीछे हो जाओ कैमरा थोड़ा पीछे लो ना भाई फोन जब्त करा फोन संभाल अभी मेरे जिम में हाथ गया था हाँ फोन संभाल आता फोन संभाल मैं लगे माला लगे साइड से मेरे टाइम नहीं फोन पर संभाल लो तब अपना अपना फोन और पर्स सबको मिलाएंगे एक एक करके आराम आराम थोड़ा ये आनंद थोड़ा मांग गया ना तो
थैंक यू मुझे दे दो ऑन किया है थैंक यू आनंद ये अभी आपका नंबर लेंगे आपको बताएंगे कि सस्ती है सेम इन द सारी फॉर्म के सारे ये मैं करा दूंगा अभी फॉर्म पे आप इधर रखिए आपको एक फॉर्म देंगे अभी अभी आप आपसे आप डिटेल लेंगे डॉक्टर बात करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा अतुल दोबारा करवाना है पढ़ाई कराएंगे ना एक बार ये लिखिए फॉर्म पे हमें अभी आपसे डिटेल लेते हैं आपको बताते हैं किस समय आपको डॉक्टर से बात करें मैडम बाहर आ जाओ मैडम बाहर आ जाओ मैडम बाहर बाहर ये ना साहब तीन चार दिन से पीछे पीछे भाई आके मत हो पीछे फोन पीछे पीछे हो जा भाई ऑडियो स्टार्ट किया है आपने हाँ हाँ एम्बिएंस दिया हालांकि पिछले चार दिनों से इनकम टैक्स विभाग के जिसकी वजह से लोगों से नहीं मिल पा रहे थे लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसी आई टी की जो लेकिन अब हम देखेंगे कि जो उनके कार्य जो है वो पिछले चार दिनों से जो कार्य जो सर जिंदगी मेरी है ठीक है कहाँ रहते हैं
अरे ऐसा नहीं मिलता लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, आपके घर में से किसी ना किसी को देना पड़ेगा, आपकी मदर हो, आपकी बहन हो, आप हो, कोई जाना क्या काम करते हैं आप, क्या काम करते हो? नहीं बात सुनिए, मैं आपसे अभी आपको फॉर्म देता हूँ, उसमें डिटेल्स दिए आपसे कुछ लिख के दिया तो पिक्चर नहीं है, तो अभी तो पापा का इलाज कराया ना लिवर ट्रांसप्लांट, मूवी लिख के क्या करेंगे अपन? कोई भी किसी भी काम सर करवा के दे रहे हैं, रिपोर्ट्स नहीं हुआ ना कैसे, तो अभी तक फॉर्म भरेंगे नहीं नहीं सुन इसमें नहीं बच्चा रिपोर्ट इसमें मैं तेरे से लूँगा, तो उसमें सारी डिटेल्स देगा अपने पापा की डिटेल्स देगा, मेरी टीम का मैं अभी नंबर कैसे तुझे शेयर करूँगा, फिर डिटेल लेके फिर मैं तेरे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, फिर मैं उसके बाद दूंगा अभी दो मिनट रुक जा शायद उसका मेरे पास दो मिनट ही जाए कैसे दो मिनट रुकना बता देखिए बिल्कुल एक्सपेक्ट जरूर किया जा रहा है कि सोनू सूद जो है जिन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया के जरिए चाहे ट्विटर हो या अपने और जो सवाल चैरिटी फंड के देखिए उसके बाद सोनू सूद ने ये कहा है कि इसी फंड के इसी फाउंडेशन के जरिए जितने भी पैसे रहेंगे वो जरूरतमंद के लिए वो जो काम कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं पिछले चार दिनों से जो चार दिन की छापेमारी की जा रही थी, जो रेड कंडक्ट किए जा रहे थे, उसी रिंग के बाद अब फिर से अपना कार्य जो है शुरू करते हुए यहाँ पर दिखाया गया अभी भी आईटी की ओर से की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ आईटी का एक जो करोड़ों को लेकर जो इंजाम लगाई गई थी चैरिटी फाउंडेशन के ओर से 21 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, वो चैरिटी फाउंडेशन में 19 करोड़ जो है वो जमा किए गए थे, यानी डोनेशन जो है उस फाउंडेशन को मिला था। देखिए जो है वो आप और साथ ही वो इन्वेस्ट किया था ग्रुप के जरिए उसकी भी बात सामने आई थी, ये सभी चीज़ों को रिक्वेस्ट थी कि इसको जमा किए गए थे उस फंड में से करीबन 2.1 करोड़ जो है डोनर के ओर से मिले थे, जो कि FCRA के तहत उल्लंघन किया गया था जो आई टी विभाग ने ऐसा कहना है। लेकिन अब विचार करना होगा कि इस पर अब डोनर को जो कि सवाल बिल्कुल बहुत सारे सवाल सामने आ जाएंगे, तो सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर आई टी विभाग के ओर से करेंगे। यहाँ पर भी छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी के दौरान वो जो थे वो खुद अपने घर पर भी थे, लेकिन अब फिर से जो लोग हैं काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि जैसे उनके दिल को आकर लगे तो अपनी परेशानियाँ जो है वो उनके सामने रखे और उनके फाउंडेशन की ओर से जो है उनकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। हालांकि सोनू सूद की टीम भी मौजूद है यहाँ, लेकिन बल्कि एक तरफ अगर आईटी विभाग तो जहाँ तक सॉल्विंग की बात है वो पूरे तरीके से अटैक कर रहे हैं, मतलब यानी पूरे मामले की जाँच जो है जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम टैक्स की ओर से क्योंकि न कि सिर्फ FCRA के तहत सोनू सूद के ओर से जो फॉरेन डोनर से डोरा सेंटर का लेकर कैमरा बैग
बढ़िया फिर क्या दिक्कत है अरे मेरे लिए क्या जीके करेगा ये तो मेरे तो यही है मेरा काम तो बच्चे तो मेरे साथ ही है मेरे साथ ही है टेंशन मत ले भी देख इतने लोग हैं ना सब जाने क्या करेंगे इनका नहीं तो बच्चे मैं तुम्हें सुन तो जहाँ पे आजमगढ़ में तेरी मोबाइल की दुकान है वहीं पे कर मोबाइल की दुकान कर मैं साथ ही तेरे अच्छा नहीं लगता मेरे बारे में सोच के क्या करेगा अरे सुरक्षित हूँ एकदम बढ़िया हूँ देख बढ़िया हूँ सुरक्षित हूँ सब एक खड़े अपने दोस्त को जैसे पूछो सुरक्षित तो नहीं सुरक्षित देखो भैया ये कहता है मेरे साथ रहना अपने दुकान धंधा छोड़ के सुरक्षित तो ना मैं बढ़िया देख लो बढ़िया अरे कुछ नहीं हो रहा बढ़िया हो रहा है सब देख मैं खड़ा हूँ ना तुम लोगों के साथ अरे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ मैं इधर ही बढ़िया हूँ तो देख तो दिया अभी बैठा तो बढ़िया कुछ नहीं चलिए नहीं बैठे तुम रुक जाओ सब जाने सब सब बढ़िया कोई दिक्कत नहीं आराम से जो काम कर रहा है देखो मिला ना तेरे आज तो जो जो भी तू काम कर रहा है कितने घर में कौन कौन तेरे घर में परिवार थोड़े छोड़ेगा तू करना क्या चाहता कंप्यूटर चलाना था तेरा मैं तेरे को विजन में तेरा अभी वैसे ही कराऊंगा बेटा काम विशाल एक्सचेंज नंबर ये विशाल भैया है ये समायरा भैया है ये भी आपको इसके बाद नंबर देंगे आपका नंबर देंगे तो आजमगढ़ में रहे परिवार के साथ रहे अपना जो जॉब कर रहा है वो भी करते रहे और वहाँ पे किसी को तकलीफ होगी हम लोग वो भी इधर से बात करते रहे ठीक है ठीक नाम क्या तेरा अरे बंसी बाबू नाम ही सारा जबरदस्त है और क्या चीज़ है बंसी बाबू मजाक है क्या बंसी बाबू तो भैया भैया बात करें मैं सबको फोन कर हाँ मैं करूँगा दो मिनट रुक जाओ बच्चे बाबू दो मिनट रुक जाओ बच्चे फोन से बात करें फोटो भी डालनी अच्छा आ जाएगा ले ले लो फोटो ले लो बच्चों भैया चलो थोड़ा मार थोड़ा पीछे हो दादा मार दिया लुक यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बाय बच्चे बाय बाय चलो शर्मा चलो शर्मा चलो शर्मा शादा भी चलो बेटा बाद में बाद में अरे मैं मेरे मैं हाथ अरे बच्चे तू रुक जा अरे धक्का मत मारो दादा दादा आप लोग थोड़ा पीछे रहो ना आगे मत जाओ आगे मत जाओ आप लोग थोड़ा पीछे रहो ना आईने की ओर से एक सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं जहां खास तौर पर करोड़ों के टैक्स चोरी को लेकर ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए आप पर लगाए देखो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूं आप सब फैमिली वाले हैं जितनी चीज़ें हैं सब प्रोसेस में हैं सबके सामने हैं यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन और मैं पर्सनली भी आप लोगों से बात करूंगा इसके लिए बट आई थिंक मैं जिसलिए नीचे आज आया हूँ दीज फॉर दीज पीपल जो चार पांच दिन से बाहर खड़े हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा ज़रूरी है बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे हम लोग अपना काम करेंगे ना सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जो रेड्स हुए हैं जो एलिगेशंस है जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया है उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है नहीं मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा पंजाब बुलाएंगे तो भी मेरा कोई कलर नहीं है
आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स. मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ. हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं. आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूंगा. ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने. नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. उससे बड़े मुद्दे हैं, आपने देखा ही है यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है. ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. आपने ट्वीट आपने किया है उस ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ पे जमा किए उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए सिर्फ 2 करोड़ पे, जो सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि 17. मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ. हर फाउंडेशन के अंदर, खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर, मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं वो मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं. और दूसरी, कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता. और एज़ पर रूल्स ऑल्सो जो 1-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे इसमें, कल देखेंगे और कम हो जाएंगे. जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए. वो उन्होंने कंधे पर हमारी जिम्मेदारी दी है. एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है. आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही जाए. हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं. ऐसा नहीं होता कि आ जाए कल खत्म हो गया. अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में. मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए. दैट्स द आइडिया, दैट्स द विजन आई हैव. ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आ गए, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा. सो द आइडिया इज़ टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है. एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे. नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता. अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आप, आपके पास नहीं आ सकता. उन जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है. एक नहीं, 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिला इम्पैक्ट गुरु. हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में. अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी प्रधान में. ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है. सो इट्स ऑल All the documents have been given, और ऐसे ही चलता रहेगा. Thank you so much, यार. And I'll meet you all personally, यार. God bless you, यार. Thank you so much. Love you all. Thank you. दिन रात बाहर सो रहे थे यार. सो आई मीन इफ यू सैड, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू. बच्ची से बड़ा है और आप लोग रखिए इसको प्लीज. मैं ये कहूँगा कि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हेल्प पीपल, जिसकी कोशिश में लगा हूँ. ये शुरुआत है सर, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ ना हूँ, आज से 20 साल बाद हूँ या 40 साल बाद या 50 साल बाद, ये हेल्प ऐसे ही जारी है. कोई भी, मैंने आप लोगों को जवाब दिया और हम लोग फॉलो द कोर्स ऑफ लॉ. आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स जो भी उसे मांगी थी. आई मेक श्योर हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करो सो दैट एवरीवन. मैंने भी आज उसका स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको इसके बारे में पक्का देता हूँ. देखिए Thank you.
पिक्चर में